Very good morning to class 6. Hope you all are very fine. So class, we have studied our last chapter in history, chapter 4, the earliest cities. We have completed it. Now, today we are going to start our chapter of civics, chapter 3, what is government. So everybody, open your book, NCERT civics, chapter 3 on page 27. तो देखिए क्लास, जैसा कि यहाँ पे कह रखा है व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है ना, तो मीनिंग हमारे चैप्टर का यही हो गया कि गवर्नमेंट क्या है। तो आप सभी देखते होंगे, हर चीज में देखते हैं गवर्नमेंट ये कर रही है। हम लोग अपने घर में जब बैठे होते हैं तो हम सुनते हैं ना गवर्नमेंट के बारे में कि इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है, ये वाली पार्टी या वो ये बीजेपी है, ये ऐसे है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा काम कर रहे हैं, या कोई भी बड़ा काम होना है कंट्री में, अपनी कंट्री के बारे में, तो हम किसके बारे में एक वर्ड यूज करते हैं, गवर्नमेंट। तो आखिर में कभी ये सोचा आप लोगों ने कि गवर्नमेंट है क्या, है ना? सुनते तो हम सबके मुंह से हैं, हम लोग अपने घर में अपने बड़ों के मुंह से भी सुन लेते हैं, या न्यूज़पेपर खोलो तो भी दे रखा होता है आज गवर्नमेंट ने ऐसा नियम लागू कर दिया, या ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है। ज्यादातर तो उसको क्रिटिसाइज ही करते हैं ना कि ये अच्छा काम नहीं कर रही है, और अब की बार जो इलेक्शन होंगे तो इसको ये गवर्नमेंट नहीं आएगी। मोस्टली मोस्ट ऑफ द आज हम लोग, अगर जैसे अभी तो आप लोग स्टूडेंट हैं, सिक्स क्लास में हैं, हम तो अभी इस चीज के बारे में देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो बड़े हैं वो तो डिस्कस यही करते ना कि इस बार ये नहीं, यानी गवर्नमेंट नहीं आएगी, और लास्ट गवर्नमेंट जो थी वो अच्छा काम कर रही थी। तो कभी इस चीज पे ध्यान दिया और सोचा या नहीं सोचा, तो आप देख लो कि गवर्नमेंट आखिर है क्या, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं तो वो क्या है, हमें जो ये वर्ड जिसके लिए यूज कर रहे हैं तो उससे मीनिंग क्या है, आखिर वो कैसे काम करती है, और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और क्यों है, है ना, क्यों है, सबसे बड़ी बात तो कि क्या जरूरत है उसकी। तो वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट इज, जो हमारा चैप्टर है व्हाट इज गवर्नमेंट, तो इसमें हम यही देखेंगे गवर्नमेंट के बारे में। और हर कंट्री की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, तो क्या कोई अपनी क्लास कोई डिफाइन करना चाहेगा? सो क्लास, तो गवर्नमेंट देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी देखिए, गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, जैसे कि आपके रिक्शे वाले हैं, और जो किसी मतलब इंस्टीट्यूशनल वर्क नहीं करते हैं, जो आपके डेली वेजेस पे होते हैं, रिक्शे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, कोई शॉप छोटी सी खोल के बैठा हुआ है, तो उनके काम को उनका ध्यान रखती है गवर्नमेंट। फिर लिखा हुआ है डिटेल्ड प्लान्स टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। और कहीं पे अगर फ्लड्स आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर, भूकंप है, अर्थक्वेक वगैरह हो जाए, तो भी उसके उस रिलेटेड कोई डिसीजन लेना तो वो गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा करना है ना। फिर गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियन, सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट। अनियन सब्जियां हैं, अनियन के उनके प्राइसेस की क्या प्राइसेस होने चाहिए, लेकिन प्राइसेस भी ये नहीं कि बहुत हाई होने चाहिए, तो उसकी मार्केट में शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, यानी सबको अवेलेबल हो जाए, तो ये भी गवर्नमेंट करती है। फिर सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 more judges गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कहती है कि क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में जो है 5 और judges होने चाहिए, तो ये भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। इसके अलावा कोल एंड पावर सेक्टर, जिसमें हमारे मिनरल्स आते हैं, जिनसे हम एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करते हैं, तो उन सेक्टर्स पे भी गवर्नमेंट ध्यान रख रही है। तो ओवर 15,000 प्लेसेस डिक्लेयर स्कैसिटी हिट बाय गवर्नमेंट। अब जो है गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो है 15,000 प्लेसेस जो है उनको बहुत सारी चीजों की परेशानियां हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, तो ये भी गवर्नमेंट। तो इन चीजों से हमें एक आइडिया लग रहा होगा ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। और अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने इन चीजों के जवाब भी दिए कि गवर्नमेंट हमारे क्या करती है, जनता की भलाई के लिए काम करती है, यानी पीपल ऑफ द कंट्री। तो देख लीजिए, इससे हमें जो ये यहाँ पर कुछ वर्क ऑफ द गवर्नमेंट दे रखे हैं, कुछ सेंग्स दे रखी है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि गवर्नमेंट आखिर करती क्या है, है ना। तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि गवर्नमेंट ऐसी चीज है जो कि हमारी किसी भी कंट्री के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, उससे रिलेटेड चाहे वो छोटे से छोटे, जैसे यहाँ पे रखा ना अनऑर्गेनाइज वर्कर, जितने भी लेबर है, तो एक एक गरीब से गरीब, चाहे कोई सड़क पर रह रहा है, चाहे कोई अपने घर में रह रहा है, हर चीज का ध्यान रखती है, यानी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम गवर्नमेंट को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव द पावर टू रूल इन ए टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो गवर्नमेंट ऐसे, गवर्नमेंट कोई एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कि
क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी हम ही वैसे हैं, आज हमें हैं, आप हैं, आप ही लोग जाके कभी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बैठे होंगे, है ना। हो सकता है आप में से ही कोई प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बन जाए, आप में से कोई कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि अभी तो आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। तो यही है कि हम ही वैसे कुछ लोग होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और क्या कर जो क्या करती है, किसी भी कंट्री को रूल करती है। रूल कहने का मतलब है कंट्री की भलाई के लिए उससे रिलेटेड सारे डिसीजन लेती है मिलकर, ठीक है। तो दिस टेरिटरी मे बी ए कंट्री, अ स्टेट और प्रोविंस विद इन ए कंट्री और विद इन ए कंट्री और ए रीजन। अब ये क्या हो सकता है टेरिटरी, आप ये भी एक कंट्री भी हो सकती है, स्टेट भी। अब एक कंट्री की, पूरी कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है, फिर कंट्री के अंदर हमारी जो है स्टेट डिवाइड हो जाती है, स्टेट वाइज अलग अलग गवर्नमेंट होती है, स्टेट के बाद में हम लोग क्या होते हैं सिटीज में डिवाइड हो जाते हैं, सिटीज के साथ में फिर हम लोग छोटे छोटे से कॉलोनीज में, रीजन में डिवाइड हो जाते हैं। तो हर ही जगह पे आपने सुने होंगे कि यहाँ के सांसद कौन है, यहाँ के सभासद कौन है, पार्षद कौन है। तो हर जगह पर एक अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, यानी ऊपर से अगर हम कहें एक से वो छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होके हम तक, यानी अपनी कंट्री के एक एक व्यक्ति तक पहुंचती है। जैसे अभी हम ही लोग हैं, अगर हम इससे एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं देना चाहूंगी, अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। स्कूल का मैनेजमेंट होता है, लेकिन क्या आप लोग कभी मैनेजमेंट से मिलते हैं, कभी किसी ओकेजन वगैरह में मिलने, वो चीज अलग है, है ना। लेकिन डायरेक्ट आप किसके टच में रहते हैं, अपनी टीचर्स के, है ना। फिर टीचर्स से ऊपर आपको हम लोगों के हेड होते हैं वो, फिर उससे ऊपर प्रिंसिपल, इस तरीके से जो है, ऐसी तरीके से जो मतलब फिर मैनेजमेंट, है ना। तो इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी होती है, सबसे ऊपर हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, फिर नीचे नीचे आते ही पूरी अलग अलग डिवीजन होकर कंट्री का वर्क जो है क्या संभालते हैं, उनकी ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, जो इन चीजों को संभालते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक बॉडी है ऐसी जो कि क्या करती है, डेट हैव द पावर टू रूल ए कंट्री, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से कि गवर्नमेंट क्या है। अगर क्वेश्चन यही बनता है कि वॉट इज गवर्नमेंट, तो you can define that government is a group of people or a body that have the power to rule in a country. एक simple से way में आप ये simple language में आप ये answer दे सकते हैं, है ना? So now it is clear class कि what is government, है ना? Government क्या करती है? इसके अलावा कि government क्या है? ये तो हमें समझ में आ गया। अब government के अंदर क्या करती है? Government makes laws, rules and regulations, collect taxes and print money. अब government के पास में इतने rights होते हैं कि वो नियम बनाती है और रेगुलेशन जो कि नियम बना रही है वो हमारी कंट्री में लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सब कैसे वर्क कर रहे हैं, टैक्सेस कलेक्ट करने का काम करती है, मनी प्रिंट करने का काम करती है। जैसे अगर मनी हम लोग कहते हैं कहाँ से प्रिंट होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट के अंडर में ही, उससे ऊपर थोड़ा ना कोई अलग से थोड़ा ना कुछ हो गया, है तो गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये सब चीजें हैं, तो गवर्नमेंट जो है कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट से एक स्टूडेंट ने जवाब दिया मुझको कि मैम गवर्नमेंट जो है नोटबंदी कर सकती है, उसके एक रात के अंदर वो नोट करेंसी चेंज कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट का अथॉरिटी होती है, और करती क्यों है, सबसे बड़ी चीज तो ये है वो अपने अपने फायदे के लिए कुछ नहीं, वो जो भी कुछ करती है वो हमारे अपनी कंट्री के लिए देखती है कि हमारी कंट्री के लिए क्या सही रहेगा, और मेन चीज कंट्री में कुछ भी गलत ना हो, कोशिश यही की जाती है। और गवर्नमेंट जो है वो किसी एक पीपल नहीं है, सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है हम लोगों को, गवर्नमेंट हम सबसे मिलके बनी है। अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो हम सबको उसमें सपोर्ट करना है, यानी जो ऑनेस्ट करप्शन वाली चीज आती है तो वो हम ही सबको देखना है कि हम उस चीज को सही ना करें, तभी तो सब कुछ ठीक रहेगा ना, है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, अब ये तो हो गया कि वॉट इज गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कैसे जो वर्क करती, क्या वो बिल्कुल एक उस पर रह के कर लेती है, नहीं। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक उसके लिए कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो कितने लेवल्स में डिवाइड है। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि कंट्री, हमने अपने स्कूल का एग्जांपल लिया था कि आप लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं होते, पहले टीचर्स, फिर उससे आपके कोऑर्डिनेटर, फिर उसकी आप प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल से ऊपर आपके जो है मैनेजमेंट होता है। तो ये सब चीजें हैं आपकी, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो है डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड है, डिफरेंट लेवल में डिवाइड होकर वर्क करती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में एक एक पर्सन तक पहुंच पाना किसी एक व्यक्ति के बस की बात, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि वो जाके, आप सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर एक एक व्यक्ति से आके मिले तो मेरे ख्याल से काम तो फिर चल ही नहीं पाएगा, है ना। तो देखो कैसे जो लेवल्स है उसके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका लेवल आ जाता है नेशनल लेवल, यानी गवर्नमेंट का जो नेशनल, यानी पूरी कंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो नेशनल लेवल आपका कहलाता है। उसी के इसको नेशनल लेवल को हम लोग सेंट्रल लेवल भी बोल सकते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सुना होगा आपने अपने फैमिली में पेरेंट्स को बात करते समय कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो इसी तरीके से सेंट्रल लेवल को जो है हम नेशनल लेवल बोलते हैं, जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उसी के अंदर में हम सब आते हैं। फिर सेंट्रल के अंदर में जो आती है वो आती है हमारी, सेंट्रल के अंदर में हमारी आ जाती है स्टेट लेवल, है ना, नेशनल देन स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में डिफरेंट स्टेट्स आ जाती है, हमारी कंट्री में कितने स्टेट, 28 स्टेट्स हैं, तो उसमें अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट होती है। फिर जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, पूरी इंडिया एक कंट्री हो गई और अभी हम लोग कौन से स्टेट में है, हमारा बीकानेर आता है राजस्थान में, है ना, तो राजस्थान के अंदर में है, तो राजस्थान में देखिए आप सेंटर में जो है गवर्नमेंट है वो बीजेपी है और राजस्थान में आके हमारी कौन सी गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस होगी, तो उसमें आके ये आ रहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट है और वो स्टेट गवर्नमेंट जो है हमें क्या कर रही है, हमारे हमारे स्टेट के लिए डिसीजन लेती है, है ना। तो सेंट्रल पे जैसे नेशनल में हमारे प्राइम मिनिस्टर और स्टेट पे आके हमारे चीफ मिनिस्टर जो की डिसीजन लेते हैं, तो ये नेशनल लेवल और देन इट इज स्टेट लेवल, स्टेट आगे नेशनल के अंदर। फिर स्टेट लेवल के अंदर थर्ड लेवल जो इसका आता है डेट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारा बीकानेर है ना, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यानी स्टेट से नीचे भी जितनी भी सिटीज हैं, कहीं पे ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे शहर होते हैं तो 2 और 3 मिला के उनका डिस्ट्रिक्ट एक कर देते हैं, जो गांव वगैरह होते हैं उनको मिला के एक उसमें ले लेते हैं, तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट अलग हो जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखती है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे सबसे जो नीचे आता है वो हमारा आता है लोकल लेवल, है ना। तो ये इस तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे डिवाइड है, तो जिसमें हम लोग सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल को हम लोग जो है लोकल गवर्नमेंट भी के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है क्लास। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट जो है डिफरेंट जोन में डिवाइड होकर हमारा क्या करती है, वर्क करती है मिलकर, तभी नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी रिपोर्ट पहुंचती है कि किस सिटी में क्या काम हो रहा है ना। सो क्लास फॉर टुडे इट इज इनफ, थैंक यू टू ऑल। आगे का जो है वी विल लर्न अबाउट फर्दर इन आवर फर्दर क्लासेस अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।